पेटीएम ब्लास्ट 6-7% आज। तो क्या ये फंसा रहा है गाइस, या फिर वाकई में पेटीएम की एक स्टार्टिंग हो चुकी है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है काफ़ी अच्छे होंगे। पेटीएम के शेयर होल्डर्स तो आज गाइस, इस वीडियो में यार मैं आपको बताने वाला हूँ पूरा कि यार ये ब्रेकआउट सच्ची वाला है या फॉल्स ब्रेकआउट है, जो कुल मिलाकर आपको मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं। तो गाइस फटाफट से चलिए यार वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए अगर अभी तक लाइक नहीं करो, चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब भी कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब करना होता है गाइस एकदम फ्री। तो चलिए गाइस करते हैं हम लोग वीडियो को स्टार्ट। तो गाइस जैसा कि यार आज आप लोगों ने देखा था, तो मैंने आपको पहले भी बताया था गाइस एक वीडियो में कि 730 के ऊपर एक बढ़िया ब्रेकआउट है, पेटीएम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वहाँ से यार 800 तक के हमारे टारगेट हो गए अचीव। तो गाइस अब बात करते हैं हम कल के दिन पेटीएम कैसा परफॉर्म करने वाला है। तो गाइस अभी आप लोग बोल सकते हो कि जैसे ही इसने 750 को क्रॉस करा, तो आज ये शानदार तरीके से और रॉकेट देखने को मिला। तो भाई जो 750 का ये वाला लेवल था, ये एक बड़ा ब्रेकआउट है पेटीएम के लिए फिलहाल। तो गाइस अब आपको अगर स्टॉक बाय करने की अगर आप लोग सोच रहे हो, तो गाइस इसी रेंज में बाय करना यार, इससे पहले ऊपर मत कूद जाना। सिंपल सी भाषा, ये कल के दिन के टारगेट्स हैं, लेवल्स हैं। कल अगर यहाँ रेंज में मिलता है तो बाय कर सकते हो, अदरवाइज अवॉइड करना। और अब बात करते हैं गाइस सबसे एक बढ़िया बात जो लॉन्ग टर्म वालों के लिए पूछ रहे थे, भाई क्या करें क्या करें। तो गाइस अब यार आप लोग अपने पेटीएम का स्टॉप लॉस खींच कर ये लियाओ, क्योंकि गाइस अगर आप लोगों ने ऐसा नहीं करा, स्टॉप लॉस 660 के आसपास नहीं लाए और पेटीएम कल को ये वाला ब्रेकआउट यानी कि ये जो ट्रेंड लाइन है इसको ड्रॉ कर देगा, तो गाइस 550 और 500 तक के लेवल अगेन दिखा देगा, फिर आपका स्टॉक 300 जाए या 200 जाए या 500 जाएगा, फिर कोई नहीं बता सकता, क्योंकि गाइस फिर एक टेक्निकली नीचे की तरफ ब्रेकआउट हो जाएगा डाउन ट्रेंड वाला। तो गाइस अगर आप लॉन्ग टर्म वाले हो तो दिल मजबूत करके पक्का करके यार, वैसे भी आपने बहुत डाउनफॉल देख लिया, तो भाई अब यार 660 का स्टॉप लॉस मत छोड़ना, जितने भी लोग लॉन्ग टर्म के लिए बने हुए हैं। मतलब देखो वैसे तो कंपनी यार अभी आपकी रद्दी है, लॉस में चल रही है, पेटीएम का ये शेयर आप लोग भी जानते हो, बट गाइस इंट्राडे के हिसाब से कल वल में अगर आपको मिलता है इस रेंज में तो बाय कर सकते हो। टारगेट यार आपका वही होना चाहिए 1-1.5% का बस फॉर इंट्राडे। बाकी गाइस कंपनी अभी लॉस में ही है, तो लॉन्ग टर्म के लिए कोई अभी विजन ना बनाए, इसके अंदर खरीदारी ना करें, शॉर्ट टर्म वाले स्कैल्पिंग के हिसाब से इसमें ट्रेड कर सकते हैं। होप गाइस आपको इन्फॉर्मेशन काफ़ी पसंद आई होगी। तो गाइस अगर आप लोग चैनल पर पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना यार, बस थैंक यू, जय हिंद।